मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की 4 लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी पहले ही 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद समेत 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतार कर चर्चा का विषय शुरू कर चुकी है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा का टिकट देगी। उनके नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच एक जो बड़ी खबर सामने आई है वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल बीजेपी के द्वारा निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के पोस्टर्स में 12 नेताओं की तस्वीरें लगाई गई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छोड़कर बाकी प्रदेश के 10 बड़े नेता थे और इसमें से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया। अब बाकी 4 नेता जो इस पोस्टर में हैं उनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा और राज्यसभा के सांसद कविता पाटीदार का नाम है, जिन्हें लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि लाजमी है। गुरुवार को भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद चर्चा ये चली कि बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है, हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। इस पर तुरंत उनके कार्यालय से बयान भी जारी कर दिया गया कि ये तथ्य आधारहीन और फर्जी है। इसके बाद फिर उनके चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए। पार्टी सूत्र सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम होने की बात कर रहे हैं, हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी सिंधिया को शिवपुरी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना सकती है और इस सीट पर वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया विधायक है, जो कि ज्योतिरादित्य की बुआ है और प्रदेश की खेल मंत्री। चुनाव लड़ने से इनकार उन्होंने फिलहाल इस वक्त कर दिया है स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और ऐसे में यह सीट खाली हो रही है। इस सीट पर हमेशा से सिंधिया राज परिवार का ही दबदबा रहा है। अब माना यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस सीट से टिकट मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बीजेपी की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने के बाद पार्टी सिंधिया को भी मैदान में उतार सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा हो रहा है कि सिंधिया खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सिंधिया राजघराने का अब तक का इतिहास है कि किसी पुरुष ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। सिंधिया राजघराने से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ती आई हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में ही चुनाव लड़ने पर वो राजी होंगे, अन्यथा नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिवपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के विचार होने की जो कई चर्चा है वो पिछले कई दिनों से चल रही है। इसके बाद अचानक शिवपुरी से विधायक और शिवराज सरकार की मंत्री यशोधरा राजे का चुनाव से इनकार करना भी इन अटकलों को और हवा दे रहा है। जिस तरीके से उनके समर्थक भी शिवपुरी में चुनाव लड़ने के लिए बात कह चुके हैं कि महाराज को चुनाव लड़ना चाहिए, इससे भी अटकलों को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है। वहीं बीजेपी ने अभी इस सीट पर कोई प्रत्याशी भी नहीं बनाया है, इसलिए भी चर्चा तेज है। बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़ना चाहती है, इसलिए इस बार किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के दावेदारों का चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, इससे उनके कार्यकर्ता अपने नेता को चुनाव जीतने पर अगला मुख्यमंत्री मानकर चले रहे हैं। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से कई बार उनके समर्थक मांग कर चुके हैं कि महाराज को सीएम बनाया जाए, इसलिए अब उनके समर्थक सिंधिया को प्रदेश की 230 सीटों में से किसी भी एक सीट पर चुनाव मैदान में उतारने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी अब तक 230 में से 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी को अब तक 67 विधायकों और हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है। अभी बीजेपी ने शिवपुरी सीट पर भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है, वहीं 8 मंत्रियों के टिकट भी रोके हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 15 अक्टूबर को दिल्ली में होनी है, जिसके बाद से कभी भी प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। माना यह जा रहा है कि पार्टी की ओर से 15 अक्टूबर को 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि उस दिन बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक के तुरंत बाद सूची आएगी। इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल हो सकता है। वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।